आज आपको लेकर आए डिवाइन टच फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर, जो कि राजधानी के आशियाना खजाना मार्केट में स्थित है। जहाँ भी लोगों से जानेंगे, जहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग उपचार कराने आते हैं, जिनका फीडबैक भी जानेंगे कि फिजियोथेरेपी जो कला है हमारे देश में, आखिर उसका इस्तेमाल किस तरह से डॉक्टर पुनीत दुबे कर रहे हैं और किस तरह की राहत लोगों को मिल रही है। उससे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर पुनीत जैसे कि होली पर अपने जो दूर दूर से लोग आते हैं इनसे उपचार कराने, उनके लिए और फिजियोथेरेपी डॉक्टर के लिए और पूरे देशवासियों के लिए क्या शुभकामना देंगे? नमस्कार सभी को, और होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं सभी लोगों को, जितने लोग हमारे संपर्क में हैं या जो भी लोग हैं इस वीडियो को, जो भी सब लोग देख रहे हैं, सबको होली की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या कहेंगे, कोई मिर्ज़ापुर से आ रहा है, कोई मऊ से आ रहा है, काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कैसा लगता है जब वो 10 मिनट बाद बोलते हैं कि मेरा दर्द गायब हो गया, कैसा लगता है? ये तो ऐसा क्वेश्चन आपने पूछ दिया साहब कि जो ये फीलिंग है उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। ये जो फीलिंग है वो तो इंटरनल फीलिंग है, और जो भी पब्लिक अगर कोई बाहर से आ रहा है, कहीं दूर से आ रहा है, तो ये अपना सुन करके आते हैं लोग। एक पेशेंट ठीक होता है, दूसरे को बताता है, दूसरा ठीक होता है, तीसरे को बताता है, और वो आते हैं हमारे पास में। जब हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं और बताते हैं कि 10 साल से प्रॉब्लम है, 15 साल से प्रॉब्लम है, दवाइयाँ खा रहे हैं, पेट खराब हो गया, लीवर खराब हो गया, 10-10 दवाइयाँ खा रहे हैं। दूसरी चीज़, कई पेशेंट तो ऐसे हैं हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हम वहाँ गए थे, नाम तो मैं किसी डॉक्टर साहब का नहीं ले सकता, कि उस क्लिनिक पे गए तो वो ट्रीटमेंट के पहले बोले कि आप इतनी टेस्ट करा करके लेकर के आइए, उन्होंने 12 टेस्ट लिख दिए, ब्लड टेस्ट लिख दिए, MRI करा दिए, एक्सरे करा दिए। जो गरीब पेशेंट है, असहाय है, बीमार है ऑलरेडी वो, और जब वो टेस्ट कराने जाता है तो उसका 5,000-10,000-20,000 रुपये टेस्ट में चले जाते हैं बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द ट्रीटमेंट। मतलब पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं हुआ, उसके पहले कह दिया कि आप इतने ट्रीटमेंट टेस्ट करा करके ले आए, तो बेचारा ऑलरेडी परेशान है और परेशान हो जाता है। अगर कोई भी क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट है, क्वालिफाइड डॉक्टर है, MS है, MD हैं, तो हम लोगों को 9 साल में इतना चीज़ें पढ़ाई जाती कि हम टेस्ट के बिना भी जान सकते हैं कि इस पर्टिकुलर आदमी को क्या प्रॉब्लम है और उसके पीछे क्या चीज़ें हैं। टेस्ट जो चीज़ें हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, वो चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए होती है, उस पर भी हमें पूरा भरोसा नहीं होता है। इसलिए मैं तो यही प्रेफरेंस देता हूँ कि पेशेंट का पहले ट्रीटमेंट दूँ, उसको रिलीफ मिले, अगर कोई ज़रूरत है तो भाई आप जाइए टेस्ट कराइए, नहीं तो फिर टेस्ट कराने की ज़रूरत है। हर तरह के इलाज के लिए जहाँ आम जनमानस ये सोचता है कि हम फिजियोथेरेपी डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनकी एक मोटी फीस होगी, और जहाँ तक अभी हमने कुछ लोगों से बात की जो आपके वहाँ दूर दूर से आए थे, तो उन्होंने कहा कि उपचार गरीबों से आप उपचार के पैसे भी नहीं लेते, आखिर क्या कारण है जिस तरह से इस समाज सेवा को कर रहे हैं? देखिए सर, मेरा जो बैकग्राउंड रहा है, मैं इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से आया हूँ, मैक्स में रहा हूँ, पोटिया मेडिकल को इंडिया में लॉन्च किया मैंने, और भी भारत के जो सबसे उच्चतम जगह है वहाँ से मैं आया हूँ, और उच्चतम जो लोग हैं उन लोगों का ट्रीटमेंट किया मैंने, किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स का और जो नेता लोग हैं उन लोगों का ट्रीटमेंट किया मैंने, और जो खुशी मिली उससे ज़्यादा खुशी मुझे गरीबों का इलाज करने में मिलती है, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट, कोई अंत नहीं है पैसे का कि आप कितना पैसा कमा लेंगे, लेकिन गरीब आदमी जब एक बार ठीक होता है तो ऐसे हाथ करता है और बोलता है जाइए खुश रहिए, तो लगता है कि मैंने करोड़ों रुपये कमा लिए, ये दिल की बात है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर पुनीत दुबे जी, जिनकी क्लिनिक राजधानी के खजाना में ही है, और जिस तरह से अभी लोगों से जानेंगे जो दूर दूर से उपचार कराने आते हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर जिस तरह से फिजियोथेरेपिस्ट कला के बावजूद कई फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर राजधानी में पूरे देश में है, लेकिन काफ़ी दूर दूर से यहाँ आने का प्रमुख उद्देश्य क्या है और किस तरह की राहत इनके क्लिनिक में आके इनके उपचार से उन मरीजों को मिलती है, अभी बात करेंगे और जानेंगे कि कहाँ कहाँ से लोग आए हैं और किस किस समस्याओं का उपचार कराने आए हैं। अभी ये वर्ल्ड में काफ़ी एडवांस टेक्निक में से है एरिकुलर थेरेपी, ईयर एक्यूपंचर में, इसमें हम लोग ये जो ईयर के हमारे पॉइंट्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं और बॉडी के पेन मैनेजमेंट का काम करते हैं। ये सर हमारे पास आए, कहाँ से आए हैं आप? गाजीपुर से आए हैं। ये गाजीपुर से आए ट्रीटमेंट के लिए, अभी हमारे पास में भैया लेकर के आए। क्या क्या तकलीफ थी आपको? तकलीफ बैठे उठने से, कमर में तकलीफ है, कब से हो रहा है ये प्रॉब्लम? अरे 10 वर्ष, 10 साल से, 10 ईयर्स बैक का इनको बैक पेन प्रॉब्लम है, बैक में पेन है, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं अभी, इस पॉइंट से इनको स्टिमुलेट करेंगे और उसका मेजरमेंट करेंगे। इसके अलावा हमारे सेंटर में जो भी वर्ल्ड में बेस्ट बेस्ट चीज़ें हैं, जिसमें कायरोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिस, ऑस्टियोपैथी, ड्राई नीडल, कपिंग थेरेपी, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। सर को भी काफ़ी पुराना बैक पेन था जिसका हम गाजीपुर से आए हैं।
तो क्या क्या जैसे डॉक्टर पुनीत साहब ने किस तरह से इलाज किया, किस चीज़ का इलाज करवाने आए थे? वो ऐसा था कि हमारे मैडम जी का कोई नस की आँख की चढ़ गई थी पानी पलटने में जी। और डॉक्टर हमने इस एरिया में हर जगह लोक बंधु में और सूर्य अस्पताल में बहुत जगह मैंने दिखाया, जरा सा भी आराम नहीं मिला। तो डॉक्टर साहब से किसी ने नंबर दिया तो डॉक्टर साहब के पास फ़ोन किया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि आइए हमारे पास। तो हम डॉक्टर साहब के जब पास हम आए तो इन्होंने उपचार जब किया तो 15 से 20 मिनट में आराम मिल गया, जो कि 15-20 दिन का मरीज था, ना सो पाता था ना खा पाता था, कोई भी दवाई इंजेक्शन से बिल्कुल आराम ही नहीं मिलता था। तो डॉक्टर साहब ने अपने जो मशीन द्वारा इनका इलाज किया तुरंत उनको आराम मिल गया। 5 मिनट के बाद हमारी पत्नी हंसने लगी हमारे सामने, उसने कही बहुत मुझे आराम, 2 से 3 दिन में मुझे उसको इतना आराम मिल गया कि आज तक उसको कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी दवाई की। इसमें क्या किसी दवा का इस्तेमाल किया? कोई दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जी। आप कहाँ से आए हैं? हम गाजीपुर से आए हैं। तो किस तरह की राहत है इस क्लिनिक पे आके? बहुत राहत है। क्या समस्या थी आपको? दर्द रहा है कमर में। कमर में? हाँ। तो अब हो रहा है? बहुत हल्का हल्का एकदम। मतलब उपचार हुआ तो कुछ राहत मिला? हाँ, बहुत राहत मिला। ठीक है। मेरा नाम बीसी पांडे है। किस चीज़ का उपचार कराने आए डॉक्टर? ये एक्चुअल में हमारी स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी और उसके बाद सियाटिका क्या था जिसमें हमारे यहाँ हिप्स लेकर के और ये जांग तक का पूरा ये था। मतलब दिवाली के समय यह हाल था कि मैं 5 कदम भी नहीं चल पा रहा था। तो फिर उसका बहुत डॉक्टर्स को दिखाया हमने, 2-3 फिजियोथेरेपिस्ट, वो दो तो फिजियोथेरेपिस्ट थे और 3 आर्थोपेडिक और 2 न्यूरो, पर मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर डॉक्टर साहब का मेरे भाई ने नाम बताया तो हम वहाँ विकास नगर से आ रहे हैं करीब 22 किलोमीटर से, और उससे मुझे अब ये फ़ायदा है कि अब पहले बहुत ज़्यादा लंगड़ाहट थी, अब मेरे में लंगड़ाहट भी कम हो गई है और चाल भी मेरी थोड़ी ठीक हो गई। इसमें किसी तरह की दवा का उपचार हुआ, कोई दवा लगी है? नहीं नहीं, दवा डॉक्टर साहब तो देते नहीं है, खाली ये थेरेपी करते हैं। उसमें ट्रैक्शन है और इसका वाइब्रेशन है, इसके यूवी वो करते हैं और ये इसी इलाज से उन्होंने करा। नाम है आपका? आशा। यहाँ डिवाइन टच क्लिनिक में कब से आ रही हो, किस तरह की राहत है, किस चीज़ के उपचार के लिए आई थी? मुझे बल्जिंग ऑफ डिस्क थी, मेरी बेबी थी 4 महीने की, उसके बाद से मुझे एकदम से पैर में दर्द हुआ और मैं चल नहीं पा रही थी और स्टेशन से मुझे 2 लोग कंधे पे लेके आए थे और 2 महीने मैंने कानपुर में इलाज कराया लेकिन कोई आराम नहीं मिला। यहाँ आते ही मुझे 50% आराम उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैं पहले दिन आई थी। क्या कहेंगे, फिजियोथेरेपी कला से काफ़ी राहत मिली? बहुत राहत है, मैं जो चल रही हूँ ये सब फिजियोथेरेपी सर की वजह से। तो इस किसी तरह का दवा का भी इसमें इस्तेमाल हुआ? नहीं, कोई दवा नहीं, विदाउट मेडिसिन। डॉक्टर पुनीत चौबे के लिए क्या कहेंगे? मतलब इमेजिंग, क्या मैं बोलूं कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, इतना मुझे आराम मिला है और सर के हाथों में जादू है एक तरीके से, मैं मानती हूँ हाथ लगाते हैं तो सही हो जाती है अपने आप चीज़ें। कहाँ से आई हैं आप? मैं इस समय आगरा से आई हूँ। ठीक है, इलाज कराने के लिए। कहाँ से हैं आप? लखनऊ से ही। तो किस चीज़ का उपचार कराने आई थी? मेरे को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, मैं करीबन 10-12 दिन पहले सर के पास आई थी, तब से मुझे काफ़ी आराम है। डिवाइन टच क्लिनिक में आने से किस तरह का उपचार मिला और किन किन दवाओं का डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं? नहीं सर, दवाइयों का बिल्कुल यूज़ नहीं करते, अपनी थेरेपी से ही सब लोगों को ठीक करते हैं। कितने समय से इस समस्या से जूझ रहे थे? मुझे 2-3 महीने हो गया, मुझे सर्वाइकल की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अब कितने परसेंट राहत मिली? 50% राहत है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कुलदीप है। डिवाइन टच क्लिनिक में किन किन रोग का उपचार कराने आए थे, किस तरह की राहत है? सर मुझे डिस्क बल्ज था, जैसे साइट का भी कह सकते हैं, जिससे कमर में और पैरों में बहुत दर्द था मेरे जी। तो यहाँ ये तो मैं 5-6 साल से हो गई बीमारी, तो कई जगह दिखाया लेकिन कोई राहत नहीं मिली थी। यहाँ पर मुझे 10 से 15 या 20 दिन मान लो कह दें, 15-20 दिन में मुझे 25 से 30% आराम है। कहाँ से हैं? मैं सर, मैं लखनऊ कैंट से ही आता हूँ। गाजीपुर से जी। बताइए क्या, कैसी राहत मिली, कहाँ पे क्या तकलीफ थी आपको? हम पे है जैसे है घुटना उठना ले ले, घुटने में दर्द था। हाँ, तो आराम है? खूब अंगरत रहा, हम चल ना पा उतर। कब से तकलीफ थी आपको ये? अरे 3-4 वर्ष। 3-4 साल से? और कितना अभी आज पहले दिन आया हमारे पास? हाँ, कोई दवाई भी दी हमने? नहीं नहीं। कितने मिनट का ट्रीटमेंट किया?
अरे 10 मिनट ना लगा। 10 मिनट नहीं लगा। कितना आराम लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत आराम लग रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। मेरा नाम आयुष है, डॉक्टर आयुष। कब से हैं इस क्लिनिक में और किस कहाँ से मरीज आते हैं? मैं यहाँ से 1.5 साल से हूँ, यहाँ पे काम कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से बहुत दूर दूर से पेशेंट्स आते हैं, पूरे ऑल ओवर यूपी से आते हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिलता है, काफ़ी अच्छा उनको रिजल्ट लगता है मिलता है। कैसा लगता है जब आप खुद ट्रीटमेंट करते हैं किसी चीज़ का, जैसे कि आप कर रहे हैं इस वक्त? मैंने यहाँ पे खुद देखे हैं पेशेंट जो काफ़ी लंबे समय से सफ़र कर रहे होते हैं, 10-10, 15-15 साल से वो ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं, पेन से सफ़र कर रहे थे, वो यहाँ आते हैं 10 से 15 मिनट में उनको काफ़ी आराम मिल जाता है, तो काफ़ी खुश होके जाते हैं। क्या कहेंगे अपने वहाँ आने वाले सभी लोगों के लिए? मैं ये कहूँगा कि हैप्पी होली सबको, हमारी डिवाइन टच फैमिली की तरफ से हैप्पी होली।